जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को बहुत बहुत सादर प्रणाम। गुरु जी के वचनों के अनुसार हमें महाशिव पुराण ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने आप को समझ सकें, अपनी संस्कृति को, अपने पूजा पाठ को, अपने कर्म कांड को, अपने कर्मों को, अपने कर्मों के फलों को अच्छे से जान सकें। शिव पुराण में बहुत अच्छा वर्णन है हर चीज़ का, हर आस्पेक्ट का, जो भी हमारी सृष्टि में हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होंगे, जिसको हम समझ सकें। जैसे हम लोग नॉर्मल लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन शिव महापुराण में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत सरल शब्दों में, ताकि हम तक सारी चीज़ें पहुंच सकें कि कौन कौन से दिन, जैसे जो भी हमारे दिन होते हैं, जैसे अमावस हो गया, पूर्णिमा हो गया, या जो भी तिथियाँ होती हैं, उसका क्या अभिप्राय है और हमें उसको किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आज से शिव महापुराण की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं एक अध्याय रोज़ ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो बना के आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर डालूंगी, ताकि आप लोग सब सुने और उसको प्लीज़ अपने जीवन में उतारने का मौका दें। मैं शिव महापुराण के पहले अध्याय का उच्चारण स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि गणेश वंदना से स्टार्ट होता है, गणेश तत्व से होता है। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी के सामने, अपने गुरु जी के सामने, शिव जी भगवान जी के सामने माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो मेरे उच्चारण में या किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं शुरू कर रही हूँ गणेश तत्व से। एक रदन सिंदूर वदन काटी ही विघन गणेश, राम लगन मानस विमल विचरिय सदा महेश। गिरजा सुवन गणेश सिद्धि सिद्धिदायक सबलायक, लंबोदर गजवदन गणाधिप सुधि सुखदायक। सिंदूर वदन सुजान एकरद शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदि देव त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्ववंद मंगल करण दुर्बधि तिमिर दिनेश जय, राम लगन बिनवत परम नाशिव कलुष कलेश भय। जय जय शिव त्रिपुरारी काम अरि चंद्रमोली जय, जय गिरजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीश वृष पीठ चढ़िया, भव्य भाव भर हृदय देहु पवि मोद मठया। नित त्रिशूल डमरू सहित रमु विषम भय भव भय हरन, राम लगन वंदत चरण व्याल भाल भूषण धरन। पहला अध्याय से कथा प्रसंग शुरू होती है। तीर्थ राज से में मुनियों का विराट सम्मेलन चल रहा है, उसका वर्णन पहले अध्याय में है। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालंदिनी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी ने के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या ना करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कार्यरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गो सेवा और शरणागत की रक्षा से वह विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमारगी और जैसे भी हो दंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वह भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे।
वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, आशे वाले, मोहाच्छत्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचरण करने वाले नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हर्ता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों के उच्चे और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी धर्म का हास हो जाएंगी। वे तमोगुण से युक्त जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशेष युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सदगति को प्राप्त होंगे। हे सुत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले, सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपके त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करने जाकर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार भी का भी सर्वस्व है, जिसे पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्मा हत्याधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भेंटों की निर्भरता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रहे हैं, जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महामत्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए, इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी से ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दें तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करें, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो आपको इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास से पढ़े तो ब्रह्मा हत्याधिक पापों से भी मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिलव के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल को लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिलव के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिवजी की पूजा के समान और उसकी देवता की भी पूजा करते हैं। इसमें शिवजी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 पदार्थों का विवेचन है, और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिवजी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव ये सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें
विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इनकी इन इतनी संहिताओं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर है। इसमें विंध्येश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार और उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शात रुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायवीय संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार। कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24 हजार का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24 हजार संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया, यथा विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शात रुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवीय संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव पुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ प्राप्त करता है। श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 2 अध्याय समाप्त। मैंने आज 1 अध्याय और 2 अध्याय का उच्चारण किया है क्योंकि वो दोनों बहुत रिलेटेड हैं। उसमें सारा विवरण किया गया है कि हमें शिव महापुराण में क्या क्या सुनने को और क्या क्या पढ़ने को मिलता है और इसके पढ़ने से हमें कितने पापों से मुक्ति मिलती है और कितना ज्ञान प्राप्त होता है और हमें आगे के रास्ते पे चलने में भगवान जी हमारी कितनी मदद करते हैं। तो आज इसकी समाप्ति करते हुए 1 और 2 अध्याय समाप्त हो गया है। 3 अध्याय मैं कल के वीडियो में दोबारा से अपलोड करूँगी। आप प्लीज़ सुनिए और गुरु जी के वचनों के अनुसार अपने जीवन को सुखमय बनाइए।